हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल राहुल। गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि डू फॉलो बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ में ही मैं आपको दो डू फॉलो बैकलिंक्स की साइट भी बताऊंगा और कैसे क्रिएट करेंगे ये भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस, जिसमें से एक बैकलिंक जो है .org पे है, और आपको पता है .org पे बैकलिंक्स कितना बेनिफिशियल होता है आपकी वेबसाइट पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये URL आप देख रहे हैं, इसका नाम है टीनी बुद्धा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वाइन का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक साइनअप का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना नेम, ईमेल आईडी और यूजर नेम डाल रखा है। यहाँ पे पूरा फुल URL देना है HTTPS के साथ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है, पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना होगा आपको। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मेरे ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आया, ऐसा ही आपके पास भी एक मेल गया होगा। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन का पेज ओपन होगा, आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक होने के बाद ये आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा लोगो आ गया है, मेरा फ़ोटो है यहाँ पे। फिर प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट पे क्लिक किया आपने। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना होगा, आपका यूजर नेम होगा, यहाँ पे आपके डोमेन का URL होगा। आप देख रहे हैं मैंने डिजी रैंक्स अपने ब्लॉग का URL वहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो और सारे सोर्सेस के URL आप दे सकते हैं, और जैसे मैंने यूट्यूब का भी URL यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे बायोग्राफिकल इन्फो आपको देना है, यहाँ पे इस तरह से देना है। मैंने देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी। HREF टैग में जाएगा आपका URL और ये सारी चीज़ें, और ये डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा अपडेट प्रोफाइल का। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का एक ये आप देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करके अपडेट कर देना होगा इसको। ये आपकी प्रोफाइल जो है अभी अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेट हो गई है। अभी आप प्रोफाइल पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे बैकलिंक कहाँ पर बना है। ये देखिए मेरे दो दो बैकलिंक बन गए, एक डोमेन का है जो मेरा ब्लॉग है, और एक यूट्यूब के URL का है। यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे ये नो फॉलो है कि डू फॉलो है। देखिए ये पे डू फॉलो बैकलिंक्स मिला है आपको, कहीं पे भी यहाँ पे नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जो दोनों बैकलिंक्स बने हैं, दोनों डू फॉलो बैकलिंक्स बने हैं, कहीं पे भी यहाँ नो फॉलो नहीं है, यानी ये डू फॉलो बैकलिंक्स आपको यहाँ पे मिल गया। इसका हम एक बार स्पैम स्कोर वगैरह भी देख लेंगे। 78 DA है, 69 इसका PA है, और यहाँ पे देखिए 1% इसके स्पैम स्कोर है, यानी काफ़ी अच्छा है ये वेबसाइट, और काफ़ी इसका अच्छा है एलेक्सा रैंक भी, 11 साल पुरानी साइट है। और ये जो दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको दूसरा बैकलिंक बनाना है, इसका नाम है ड्रीम बिट्स। यहाँ पे देखिए मैंने अपना अकाउंट नेम, अपना ब्लॉग का नाम डाल रखा है, यहाँ पे पासवर्ड दे रखा है, यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट देना है, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं दोनों चेकबॉक्स, इसको चेक इन कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स पूछेंगे एंटी स्पैम मेजर्स करने के लिए होता है ये, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना होगा, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंट्री आप ले लेंगे, जिस कंट्री पे आपको बैकलिंक बनाना है, यहाँ पे सिटी वगैरह एंटर कर देना है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें देख लेनी है। एक बार यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना है, लिटिल बिट अपने बारे में आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पे, अपने ब्लॉग के बारे में, आप अपनी वेबसाइट के बारे में, आप जो भी आपके सर्विसेज हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो मैं अपने बारे में, मैं अपने ब्लॉग से कोई एक कंटेंट जो अबाउट अस का है मेरा, उसको कॉपी करके उसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। ये देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजी रैंक्स के नाम से मेरा जो अकाउंट यहाँ पे बन गया है। अब बैकलिंक्स बनाने का इसमें काम करेंगे, यहाँ पे फिनिश एंड एडिटिंग योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए वेबसाइट के लिए बोल रहा है, यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट होगा यहाँ पे URL आप डाल देंगे वेबसाइट का।
यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे चाहे तो आप अपना लोगो दे सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेव एंड चेंजेस कर देंगे इस पर। ये देखिए आपका यहाँ पे भी ब्लॉग एक बैक लिंक्स आपका यहाँ पे भी बन गया है और ये .org पे है। काफ़ी अच्छा बैक लिंक्स है, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला अगर यहाँ पे आपका बैक लिंक बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक बैक लिंक्स बन गया, यहाँ पे देखिए डिजिलैंक्स आ गया। इसका अब एक बार हम चेक कर लेंगे, डू फॉलो है बैक लिंक्स या नो फॉलो बैक लिंक्स है, राइट क्लिक करके इंपैक्ट पे, ये देखिए डू फॉलो बैक लिंक्स बनाया, कहीं पे भी नो फॉलो वगैरह नहीं लिखा हुआ है, यानी डू फॉलो बैक लिंक्स। यानी गाइस दो बैक लिंक्स का लिंक भी मैंने आपको दिया और बता दिया, आप इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट पर बैक लिंक बना सकते हैं।